दही तड़के परौंठे लिया कर ना, वो रसोई ढाबे को बैठे होंगे सी असी, लै बई आ गए आ गए आ गए हरियाणे वाले आ गए हरियाणे आ गए। इन्होंने अपन मजबूरियां बस पछाँ हटे है, हो सारा चार कानून होर लिया इनू बदल के लिया कि होर रूप दे के लिया आने लाजमी। तो मैं कहना भी तैयार रहो, घर जाके घोड़े बेच के ना सौ जो चक्को मोर्चा फतेह हो गया, हूँ तो कोई गल होने वाली नहीं। ये भुलेखे ना रहो, ये छे महीने कौन लड़ता रहा, यह लड़ता रहा हरियाणा। ना उन्होंने खट्टर का कदम जहाज उतरन दिता, पटते साहब हैली हुली पैड़ जे, सरकार ने पाबंदियां भी लाइया, सिर भी पाड़े, जिहड़ा कहिंदे सी मोदी पछाण ही हटदा एक कदम भी, तीन कदम पछाण सट के मारिया, वह मारिया पटका के विआह पिया। ये होंगे लड़न वाले लोगों की जित, इन्हों कहा जाता भी जोड़े लोग लड़ते हैं संघर्ष करते जितते हैं। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई इस टाइम किसान आंदोलन एक साल पूरा हो गया, पीएम मोदी का ऐलान हो गया, तो किसान जोश में थे भाई, आज एक साल की बरसी मना रहे थे, एक साल हो गया था, वोटरों पर संख्या हो रही थी भाई। तो इस टाइम भाई लखा सिधाणा अपना गल है, इन्हें ऐलान कर भाई इलेक्शन लड़न का, जो इनको गद्दार भी बोलिया गया था स्टेज से, तो सारी बात पूछा गया। अपने चैनल पर स्वागत करा, राम राम भाई जी। हाँ राम राम जी, राम और ठीक हो? हाँ बढ़िया बढ़िया, तुम सुनाओ। 10 महीने बाद मिले हो? हाँ। अब कैसा माहौल है? 10 महीने बाद बिल्कुल उही लोग, उही चेहरे, उही रौनक, उही जाहो जलाल, उही चढ़दी कला दी गल्लां, बिल्कुल ऐ लगता कि उही दिन परते आए ने, जिहड़े 26 नवंबर तो लैके 26 जनवरी तक जिहड़ा एक पूरा सिखरां ते सीगा, उही दुबारा अज फिर मिल के लग्या कि लोग दुबारा फिर इकट्ठे हुए ने। उस दिन भी लोग ये गल कहिंदे सी कि जित के जावांगे जी जी, अज कहिंदे जित गए हां जी जी, एक लड़ाई जित गए हां, अगली लड़ाई लई तैयार हां, क्योंकि मोदी ने सौखा नहीं है पिछा छुटना है तो अपना, इस करके ये पिछे हट के हमला अगला करने को तैयार होगा। इदू पता नहीं इदू बाद, क्योंकि ये दरअसल जी सरकार आ ना भरा मेरे, ये कारपोरेट लोगों की सरकार आ, लोगों की नहीं आ। ये जे आपां नूं लगता भी मोदी ने अपने लोकतंत्र नूं जिताया जां लोकां दी जित कीती है जां लोकां दे भले की सोची है, साडा भुलेखा साडा वहम है, इहदा एक बारी पछाण हटे है, इन्हां दीआं मजबूरियां बणियां ने, अगे कई तरह दीआं कई सूबें च इलैक्शन आउंदियां ने, इन्हां दीआं होर बड़ी अंतरराष्ट्रीय पद्धर दे उत्ते बड़ी बदनामी होई है, मतलब कि सरकार की सारिया गल्लां नूं देखदे होए इन्हां ने यह कदम पछाण पट्टे ने, पर अगे देखांगे ये अगले कदम कदों वधाउंदे आ साडे वल, ते असीं भी कोई गल नहीं फिर इदों चौगणे हो के लड़ाई लड़न लई तैयार होवांगे। अज 7 च बैठे हाँ जी जी, अज पंजाब हरियाणा बैठा जी, पंजाब वड्डा भरा हरियाणा छोटा, जदों दोने रले तो 26-27 की रात को आप इत्थे आ गए सी, सारिया रोकां टोकां तोड़ के टोए टाए सारिया जिहड़े पट्टियां गई खाल खूल सब भर के इत्थे तक पहुँच गए सी। शुरुआत पंजाब ने की, हरियाणा नाल चलिया, फिर यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, होर सूबे भी नाल, जिन्ना जिन्ना सीगा उन्होंने योगदान पाया। पर मैं एक गल कहनी चाहुंदा कि जिहड़ी पिछली लड़ाई लड़ी गई ना हुण 6 महीनों की, जे आपां अज तो 6 महीने पिछे चले जाइए, ये 6 महीने कौन लड़ता रहा, यह लड़ता रहा हरियाणा। ना उन्होंने खट्टर का कदे जहाज उतरन दिता, पटते साहब हैली हुली पैड़ जे, सरकार ने पाबंदियां भी लाइया, सिर भी पाड़े पुलिसा ने, और बैठा गरजंट गरजंट दिखा, इधर आ जा भाई, इतने आ जा माड़ा जा, गरजंट नहीं भाई माड़ा जा मार दी अपना छोटे भीर करनाल करनाल जी, करनाल का इस भाई का जी जी, ते एक मिनट यार फोन सुन ला, किड़ा सुन ला, आ जी से सुन ला, ये गरजंट जी एक अख दी निगाह चली गई जी जी, जदों उत्थे करनाल दे विच लाठी चार्ज डांगा मारियां गईयां, फिर करनाल दे विच सरकार कहिंदी सी पत्ता नहीं हिलण दिंदे, 44 लादा सी प्रशासन कहिंदा 44 लग गई, पर 2 लाख का कट होया, सब बैरीकेड भन के सैक्टरीट के मूहरे जाके बह गए सी, जाने वो जड़ी लहू डोलमी लड़ाई मगरों हरियाणा लड़ता रहा, उन्हें जान लगातार अंदोलन पाई रखी। सो इस करके सारयां दा योगदान बराबर दा रहा, एक तो एक ने वध के इत्थे योगदान पाया, साडियां मावां, साडियां भैणां, साडे बजुर्ग 80-80 साल दे इत्थे बैठे आ, साडे नौजवान जिन्हां ने कई कई महीने हो गए, चंद्र बैठा मेरे नाल, आ बैठा एक पिंदा जी,
जवान ने जस्सा बैठा हुआ इतने कितने होर आए बैठे ने बई है ना ना कई मैं नाम भी नहीं जानता सुन ला पेंदे तो योग ने जिन्होंने लगातार छन पा ली इतने पक्के टिकाने गढ़ ले तो इतने जम गए इस जवानी का धन्यवाद आ वह जवानी जी बैरीकेड भन के आई वह धन्यवाद आ समर्पित जित साढ़े लखीमपुर जोड़े खीरी के जोड़े जाना कुरबान कर गए साड़िया माइया के ट्रक चढ़िया एक टिकरी के उत्ते दरड़ के बेचारिया उदो मरिया 700 के करीब साड़िया जाना चली गई जाने इतने गाने वाले कलाकार का भी योगदान बड़ा अहम रहा पंजाब दे हरियाणे दे दा सब दा इत्थे बई योगदान रहा ते उस योगदान दी बदौलत उस एके दी बदौलत उस भाईचारे दी बदौलत उस सांझ दी बदौलत अज असीं आ जित साडे नसीब बांदे विच आई आ साडी झोली पई है ते जिहड़ा कहिंदे सी मोदी पछाण नहीं हटदा एक कदम भी तीन कदम पछाण सट के मारिया वह मारिया पटका के विआ पिया ये हुंदी आ लड़न वाले लोगों की जित नूं कहा जांदा भी जिहड़े लोग लड़दे ने संघर्ष करदे ने जितदे ने जिहड़े ढेरी ढा जाण मान लो मेरे सामने कहंदा जे मैं तो बैठा सोची गया भी यार मैं कि इहनूं भन्न के लंघ सकदा है भन्नूंगा सट ना बज जे ऐ ना हो जे जे मैं इरादा ही धार लिया भी नहीं यार जो मर्जी हो जाए भन्न के लंघूंगा जी तो एक दिन मैं लंघ भी जाऊँगा सो जो इरादा थोड़ा मजबूत आ ना सिरड थोड़ा पक्का है फिर जित थोड़े पैर चुमदी चुमदी आ उस जित अज इन किरती कामियां दे लोकां दे पैरां नूं उन्होंने उस जित ने आके चुमिया बई लखा भाई एक बात है मतलब सरकार दो कदम पीछे हटी है बोल रहे हो दो कदम पीछे के किसान भी हटने चाहिए राकेश टिकैत के भाई का बयान था नरेश टिकैत का नहीं देखो सरकार पिछे हटी है या सरकार अगे वधी है गल ए नहीं है गल ए है जदों अहीं शुरू कीता सी मोर्चा तां साडियां जिहड़ियां मंगां सी तिन्ने कानून रद्द ते MSP ते गरंटी कानून बनाओ जी हुण मन लो इत्थे सोडे आपां नूं पंजाब नूं ते हरियाणे नूं ते पछमी यूपी नूं MSP दो फसलां ते पहलां मिलदी है जी जी झोना ते कणक जी हालांकि 23 फसलां ते MSP है दूजियां ते आपां नूं कोई दिंदा ही नहीं जी हुण जिहड़ा तुहाडे नाल यूपी दूजा खड़ा आ के उत्तराखंड खड़ा है राजस्थान खड़ा है तुहाडे नाल होर सूबियां दे आ के इत्थे किसान मजदूर खड़े आ बंगाल तक दे आ के इत्थे खड़े ने तुहाडे नाल आंध्रा आया उड़ीसा महाराष्ट्र दे किसान मजदूर आए आ उह कहणगे आपदा फायदा लै लिया हुण उड गए ये नहीं ना होना चाहिए तुसी अपना फायदा तकिया उन्हां लोकां नूं अलग सानू वरतदे तां ऐ करके रहे भी पूरे भारत दा अंदोलन है फायदा कल्ले पंजाब ते हरियाणे लैके उड गए ऐ नहीं चाहिए साडे ते खास करके पंजाब हरियाणे दे उत्ते नज़र आ पूरी दुनिया की पूरे भारत के लोगों की भी मोदी किसों झुकया नहीं इन्हां ने आके झुका दिया तो अज असीं अपना यार इन्नी ठीक आ सानू लड़ना चाहिए अच्छा दूजी गल ये देखो पंजाब ते हरियाणे दे हालात बिल्कुल इक्को जे है पानी पंजाब च भी हेठां जा रहा धरती दे डूंगा हो रहा दिनों दिन ते हरियाणे च भी हो रहा सानू मारिया कि ने झोने ने जे MSP होगी दूजियां फसलां दे तां उह जिहड़ा फसली चक्कर चों ही निकलांगे जी असीं गवारा भी बीजांगे असीं मूंगी भी बीज लांगे मक्की बीज लांगे कपाहां नरमे बीज लांगे गन्ना ला लांगे उह ते MSP मिल जूगी सानू तां निकल जांगे ना चक्कर दे विच्चों इह बड़ी जरूरी है कानून उन्हें खतरनाक नहीं सीगे कानून खतरनाक हले तो कोई लागू ही नहीं होए कानून तो बना दे लागू तो होए नहीं सी जी। पर जिन्ना MSP मैं कहना भी जी स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ असल लड़ाई सू वो लड़नी चाहिए है कि वह लागू करो कया साल की रिपोर्ट आई हुई है हले उमें कया सरकार आई बदल गई हर बारी रौला पैंता रहा अज मैं एक साढ़े किसान भरावान साढ़े जथेबंदियों के आगुआ एक जरूर कहना चाहिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के उत्ते लड़ाई लड़ने की लड़ आ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਤੋ ਲੱਖਾ ਬਾਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਤ ਹੈ BJP ਕੇ ਸੰਸਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ ਹਮ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਤੀ ਸੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਸ ਪਛਾਂ ਹਟਿਆ ਹੋ ਸਾਰਾ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਲਿਆਉਣ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਜੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂਜਿਓ ਵੀ ਚੱਕੋ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਜੇ ਆ ਹਨੇਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਈ ਸੀ ਇਦੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਝੱਖੜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ
ਇਹਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੀ WTO ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਹਟਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਕੀ, ਅਗਲਾ ਦਾਅ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ ਵਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦੋਂ ਖੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ SY ਹਲਕਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਓ SY, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਣੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਸੋ ਐਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਲੱਖਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਬੇਟਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਸੰਸਦ ਮੇਂ ਜਾਏਗਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੇਂ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਜੋ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਕੋ ਹਮ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਭਰਿਆ ਵਾ, ਦੂਰੋਂ ਖੜ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਵੜੋਂਗੇ, ਕਹੀ ਦਾ ਚੇਪਾ ਭਰੋਗੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਧੀ ਪੁੱਤ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, UP ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ UP ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, UP 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੜੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣ, ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਦੇਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਲ ਭਰ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਠੰਡਾਂ, ਹਨੇਰੀਆਂ, ਝੱਖੜ, ਅੱਗ ਲੱਗ, ਕੁਛ ਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 700 ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ? ਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵੇਂ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੰਚ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਭਾਈ, ਆਪਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ, ਕੀ ਲੱਖਾ ਚੋਣ ਲੜੂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੋਣ ਲੜੂੰਗਾ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ MLA ਬਣਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਸਿਆਸੀ 'ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੱਕ ਲਈ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ, ਹਲੇ ਅਸੀਂ 70% ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, 30 ਪਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਜਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਣੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਬਣਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਬੇਟਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੂਗਾ, ਇਕੱਲੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗਾ?
मिलेगा। लोग लोग तो लोग पंजाब के लोग 70-80% यह जे बदलाव पालते पर चंगे बंदे आ चंगे बंदे कट्ठे होन जे धड़े ही बई अड्डो अड्डी बंड गए तो वोट बंड जानी है जी रवायती पार्टियां ने उन्होंने को वोट पक्की होंगी उन्होंने जित जाना दूजी जी बदलाव वाली वोट बंडी जानी तो असं कहने कट्ठे होकर लड़ो। हरियाणा पंजाब का एक का कैसा देखने को मिला एक साल हो गया हरियाणवी पंजाबी सीख रहे थे पंजाबी हरियाणवी सीख रहे भाई बड़ा बड़ा प्यार मिले यार शुरू च असं आए खोए दियाँ पिनियाँ लस्सी दही तड़के परौंठे लिया करना और रसोई ढाबे को बैठे होंगे असं लै बई आ गए आ गए आ गए हरियाणा वाले आ गए हरियाणा आ गए फिर तुम देखो असी जिदे 26 नवंबर आओ आओ दिन है जी आओ रात है 26 नवंबर की आओ रात है जिते आप हम गल कर रहे हैं ये रात मेरे याद है एक साल पहला असं आए थे इधरों पातराले पास्यों मूहरे साढ़े टोए पट्टे बहुत बड़िया खाइया पट्टियाँ 5-10 फुट हरियाणे वाले भरा ट्रैक्टर लेके आए कराह पा के भर भर के खालियां फिर सानू लंघाया तो यार इत्थे बैठ के सारिया ने प्रशादे भी कट्ठे छके ने हाँ कट्ठिया महफल सजियां ने कट्ठे गीत संगीत गाए ने बड़ा मतलब कि एका दे बड़ा भाईचारा अज भी देखने को मिलिया हरियाणे वाले साढ़े जेडे बापू ने चाचे ने ताऊ ने सारे कट्ठे हो के जफ्फियां पा पा के एक दूजे नूं वधाइयां दे रहे ने यह हुंदा भाई यह हुंदा भाईचारा यह हुंदा इंसानियत की जित यह है मनुखता की जित जिन्हों आप कहने कि मानस की जात सभ्य एक ही पहचान वो कि सारी मनुखता की भलाई की गल गुरु नानक देव का फलसफा भी यही सीगा भी सरबत का भला सारे दा ही भला होवे कोई एक खास वर्ग का किसी खास लोगों का ना होवे सारे लोगों का कट्ठा भला सरबत के भले च भाई सारे असी आ गए सो एका ही बनया रहे बरकरार रहे लड़ाइया सानू फिर भी पेश पैनिया ने फिर कट्ठे होकर लड़ांगे भाई। पीएम मोदी ने बोला किसान अपने घर को जाए बिल वापसी हो जाएगी जो किसान खेत में जाए अपने घर को जाए नहीं जाना ही चाहिए नहीं ना जिन्ना चर सानू कोई पहली गल तो यकीन नहीं मोदी जुमले बहुत छड़द 15 लाख की गल करके मुड़ के कहना जुमला सी दूजी गल जिन्ना चर इनू चलो कैबिनेट के मता लिया लोग सभा जाऊ राजसभा जाऊ राष्ट्रपति की मोहर लगनी है फिर उस तो बाद MSP की गल तुरनी है जिन्ना चर MSP तो गल तय नहीं होंगी असी उन्ना चर इतों नहीं वापस जाना। तो लखा भाई कब आंदोलन खत्म करोगे जब देखो 3 करोड़ जोड़े है रद्द हो गए मोहर लग गई राष्ट्रपति उस तो बाद जोड़ा है ये MSP की की गल कर रहे जिम्मे मोदी का बयान से कमेटी बनावे उस सूबे बंदे उस किसान बंदे उस सेंटर के बंदे पा के पर कमेटी का टाइम बाउंड 1-2 महीना हो नहीं वो तो 10 साल चली जो कमेटी का किनिया कमेटियां बनिया किन्ने कमीशन बने किसी का हल ही नहीं होया मुड़ के सुधर टाइम बाउंड होना चाहिए। लखा सदाणा पहले कबड्डी प्लेयर उसके बाद गैंगस्टर उसके बाद राजनेता या मंत्री होने का क्या रहेगा देखो जिथे परमात्मा ले जाता बई जिथे वाहगुरु वो परमात्मा जिथे वो कुदरत दी बंदा मैं तुम्हें फिर कहना भरा बंदा रात को सौंदा बड़ा कुछ सोच के सौंदा मैं तड़के उठ के ऐ करूँगा पर ए नहीं पता हाँ तड़के नूं साह आऊगा कि नहीं आऊगा ये उहदी रजा है वाहगुरु की परमात्मा की सो वो पता नहीं हले की उन्हें कराउणा बड़े झमेलियां चों निकलिया गोलियां भी बजिया है ना हालात बड़े माड़े रहे इस तरह का माहौल भी रहा पर परमात्मा ने हमेशा सिर ते हथ रख्या 26 जनवरी नूं तो बाद 2 परचे हो गए दिल्ली पुलिस लभदी फिरदी सी उदों भी बड़े बंदिया ने बस हुण इहदाड़ के हुण निकलदे नहीं और उत्थे भी परमात्मा ने साथ दिता साइड का भी ऑर्डर आया था हाँ फिर मेरा लुकआउट जिहड़ा नोटिस जिहा इन्होंने जारी करता सीगा है ना 1 लाख रुपया नाम भी रखता सीगा बड़ा कुछ चलिया पर कोई गल नहीं सच्चे मन नाल लगे हुए सीगे है ना कोई मन च कोई नीत नहीं सी साडी खोटी भी असी इह चो ऐं करना इह चो ऐं करना दिलों समर्पित सीगे भी यार नहीं इह साडा किसानां दा मजदूरां दा सारे वर्गां दा अंदोलना इकट्ठे होकर लड़ रहे जितना चाहिए। तो जो आपको देख रहे उनको क्या कहना चाहोगे हरियाणा वाले दर्शक अपने तो हरियाणा वाले भरावां नूं बई बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद मैं करदा कि तुसीं हमेशा पूरे डट के पंजाब दे नाल खड़े हो इस अंदोलन दे नाल खड़े हो जदों जदों लोड़ पई है तुसीं नवीं रूह फूकी है तुहाडे ओह नवदीप आ मुंडा वाटर कैनन वाला अंबाले वाला उहने बड़ा उहने पहले दिन जिहड़ा मोड़िया सी ओह मतलब कि मूँह मोड़िया सीगा है ना पछाड़ां दा उहदा बड़ा ओह इतिहासक सीगा ओह बड़ा ते इह तों इलावा जिन्ने इह तों इलावा हरियाणे दे विच इक नौजवान की मौत भी हुई है वह डांगा लगन के नाल है ना गजेंट की आप गल करके हटे हैं यदि भी निगाह चली गई है
ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਪਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਤੇ 48000 ਕੇਸ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਮੋਦੀ ਫੇਰ ਆਊਗਾ ਨੱਕ ਭੰਨ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ 19 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤਣੇ ਗਈ ਥੀ ਅਬ 20ਵੀਂ ਵਾਰ 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਾਈ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਈ ਤੋ ਬਾਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲੱਖਾਂ ਸੇ ਦਾਣਾ MLA ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਮੋੜੇਗਾ ਬਾਈ ਕੁੱਕਰ ਕੇ ਰਹੋਗਾ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕਿ ਈ ਵੀ ਉਚੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤਾਰਾ।